Raider. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव, स्वागत आपका यादव मार्बल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जी यादव मार्बल के पास बहुत सारी वैरायटी है जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखेगी। दिवाली आने वाली है, या ये कहिए कि जिनके मकानों का काम लगभग कम्प्लीट है और मार्बल का काम बाकी है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टाइम है चॉइस करने का। तो क्या लगाना है, क्या उनका चॉइस है, क्या उनका इंटीरियर उनको सेलेक्ट किया है, तो आप जब वीडियो देखेंगे सारे तो आप अपना मन बना पाएंगे, आप सेलेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप यादव मार्बल में बात करेंगे, नंबर लगे हुए स्क्रीन पर, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। दोस्तों उसी लिए एक बढ़िया चीज लेके आया हूँ, कटनी। कटनी के अंदर बेसिकली तीन कलर होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आज के वीडियो में तीन कलर जो कटनी के बेसिक कलर होते हैं या बेसिक पैटर्न होते हैं वो मैं लेके आया हूँ कि कटनी में किस तरह का मटेरियल आता है। तीनों मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक यार्ड की कोई कमी नहीं है, आप देखेंगे तो लगभग मोटा मोटी 100 से 150 तकनी जो है आपको पूरे लॉट तैयार मिलेंगे। तो ये सब जो आपको तैयार मिलेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ पैटर्न किस तरीके आता है। जैसे ये है देखो ग्रीनिश कटनी का जो बेसिक कलर जिसके लिए कटनी जाना जाता है वो है बेसिक कलर ग्रीन। कटनी में ग्रीन कलर आता है। ग्रीन में भी ये जो लॉट है प्रॉपर वो बहुत सुंदर और बहुत यूनिक लॉट है दोस्तों। पहले से फर्स्ट टू लास्ट सिमेर आता है। सिमेर मतलब ये जो वेंस है चल रही है, इस वेंस का ही पूरा कटनी का पूरा रेशा आता है। ये जो वेंस है इनसे एक तो डायमंड शेप बनेगा, आपके दो पीस यहाँ लगे हैं, दो जब यहाँ लगेंगे तो चार पीस से आपका प्रॉपर डायमंड शेप बनेगा, बहुत अच्छा फिगर बनेगा और बहुत स्मूथ लगेगा। कटनी की फिनिशिंग और आपने नहीं लगी देखी हो तो अपने आप में बहुत बेहतरीन होती है, बहुत शानदार होती है। हार्ड मटेरियल है कटनी, बहुत हार्ड मटेरियल। मार्बल में सबसे हार्ड जो मटेरियल आता है वो कटनी और ग्रू, दो मटेरियल सबसे हार्ड आते हैं। तो हार्डनेस की आप चिंता ना करें दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूनिक है और इसका बहुत बड़ा लॉट है। आप ये देखेंगे कम से कम भी 4,000 स्क्वायर फीट का लॉट है सेम कलर में। तो जितनी आपकी क्वांटिटी है तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं मुझे कितना चाहिए, मैं आपको सेम कलर में दे दूंगा। तो एक कलर ये आता है ग्रीन। सेकंड कलर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आएगा हल्का सा बेज, बेज मतलब इसको हल्का सा पिंक कलर भी बोलेंगे। तो ये पिंकिश में आएगा हल्का सा, इसमें ग्रीन का बड़ा रेशा नहीं है। और ये देखिए इसका फिगर भी बिल्कुल इटालियन की तरह यूनिक बनता है, हर जगह से अलग बनेगा, वहाँ अलग बन गया, यहाँ अलग बन गया, वहाँ क्रॉस बना है या राउंड में बन गया। और जब इन पीसों को मिलाएंगे तो एक अलग डिजाइन बनेगी। और सबसे प्रीमियम लॉट जिसको बोला जाता है ये वो कलर है। यहाँ दोस्तों अगर ये कलर आप कटनी का ले रहे हैं और अपने आसपास नहीं देख रहे हैं तो ये कटनी के प्रीमियम लॉट में आता है। ये सबसे महंगे प्रोडक्ट में से है, कटनी के सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट आता है। इसके भी बहुत सारे लॉट हैं, जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए मिल जाएगी, अच्छी सुंदर। ये मानिए जिनको स्मूथ चाहिए होता है, ज़्यादा रेशा नहीं चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, डार्कनेस नहीं चाहिए, ये उनके लिए लॉट है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सॉबर जिसको बोलेंगे, प्यारे लॉटों में से एक है। और सेकंड जो थर्ड मैं आपको जो दिखाता हूँ वो आएगा स्ट्रेट लाइनिंग। ये देखो क्रॉस में देखा, एक आपने मल्टी फिगर में देखा, ये बिल्कुल लाइनिंग फिगर है। इसमें आप देखेंगे लाइनिंग स्ट्रेट जा रही है, ये बिल्कुल लाइनिंग स्ट्रेट भी जाएगी। जिस तरह आपका फ्लोरिंग मिलेगा, इसका फ्लोरिंग भी मैंने दिखाया हुआ है पहले कि कैसे स्ट्रेट लाइनिंग का फ्लोरिंग होता है, तो वो मैंने आपको दिखाया था। तो ये इसका पैटर्न है, बहुत कम लॉट ऐसे निकलते हैं कि इसमें स्ट्रेट लाइनिंग हो या इस तरह की लाइनें हो। तो ये आप देखेंगे इसमें ये क्वार्ट्स है और इससे आपका फिगर भी बन सकता है बहुत माइनर। अभी ये लाइनिंग है, ये बहुत बेसिक काम करेगी। तो बेसिक डिज़ाइन है, जो बेसिक पैटर्न है वो ये लाइनिंग है, स्ट्रेट लाइनिंग। तो स्ट्रेट लाइनिंग में अगर आपको चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे पैटर्न आपका मौजूद है। एक मैं और इन दोनों का, ग्रीन का और बेज का मिक्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि मिक्स में किस तरह का लॉट आता है। ये कटनी में दोस्तों नया कलर आने लगा, एक नई माइंड सा कलर है, हल्का सा इसमें स्लेटी कलर आने लगा है। अभी पहले कटनी में नहीं आता था, जो कि स्लेटी कलर आप देख रहे हैं ये इसका फिगर बनाता है। इसमें ग्रीन भी है, इसमें बेज भी है और इसमें स्लेटी भी है। ये मल्टी कलर का जो पैटर्न होता है ये वो है, सुंदर अच्छा लगेगा। डायमंड शेप आप देख रहे हैं, प्रॉपर बनेगा, स्मूथ लगेगा, बिल्कुल नया कलर है दोस्तों। बहुत कम लॉट ऐसे निकलते हैं, यूनिक लॉट है, अच्छी चीज आएगी। ब्लैक कलर आ गया इसमें, इसमें पिंक आ गया, इसमें बेज आ गया, लाइनिंग आ गई, शेड आ गया, सब कुछ। ये दोस्तों मानिए कि ये मल्टीपर्पज जो प्रोडक्ट है वो हो गया। आप कुछ भी जो आपको पसंद है वो सब इसमें आपको दिखेगा। कटनी की सारी वैरायटी आपको इस प्रोडक्ट में दिख रही है।
बहुत अच्छी बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। और हार्डनेस की मैंने आपको बताई और मैं इसकी जो थिकनेस है उसके बारे में बात करूंगा। थिकनेस इसकी 14-15 mm आती है, जिसमें फुल हार्ड मेटेरियल है, इसमें 14 mm बहुत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल हार्ड है। आप स्ट्रेस में लगाएं, चाहे पिलर में लगाएं, चाहे आपकी पूरी फ्लोरिंग में कहीं भी लगाएं। अगर कहीं धूप का पोर्शन है, कहीं बाहर आपका बरामदा है या पार्किंग है, वहाँ भी आप लगा रहे हैं दोस्तों, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यादव मालवली कतली अपने स्ट्रॉन्ग मेटेरियल है, तो लगाने से सोचने की जरूरत नहीं है। एरिया में चाहे आप उसमें कार के या जो भी आपके साधन लाते खड़े होते हैं उस पर भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और भी इसके आप टेबल टॉप बना सकते हैं, आप इसके अलावा इसका टीवी फ्रेम बना सकते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में इसका कलर यूनिक है, इटालियन पैटर्न है, बेज कलर, वाइट कलर सबकी पसंद होती है, लेकिन आजकल जो लगने लगा है वो थोड़ा कलर हटके लगने लगा है। कलर मेटेरियल में जाएंगे आप तो उसके लिए कटनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कटनी का मैंने आपको पहले भी वीडियो बताए हैं और आने वाले वीडियो में भी, आपको इस नंबर पर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कटनी की सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुछ रह गया हो दोस्तों तो आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ओम यादव, यादव मार्ग से जय हिंद, जय भारत।